हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं MBPSC जो अभी 2019 में हुआ है। 12 जनवरी 2020 को 19 का सीजन का है, याद रखना। 20 में जो आता है वो 20 में होगा, ठीक है? तो ये 19 वाला था, ठीक है? चलिए तो इसकी आंसर की देख लेते हैं, इनके उत्तर देख लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? याद रखिए, अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो उसको डाउट को क्लियर कर लें, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक? तो मुझे जितना पता है उतना मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद देख सकते हैं अगर कहीं आपको लगता है कि ये गलत है, ठीक? उसमें आप लोगों को इतना तो पता है, 2 घंटे का था, 100 क्वेश्चन से 200 नंबर का था, ठीक? ये सेट है, याद रखना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो याद रखना, सी ऑप्शन सही है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखिए, जय विकास नारायण ने, लेकिन विचार दिया था, बताया पहले महात्मा गांधी ने, प्रस्तावित किया था जय विकास नारायण ने। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो याद रखिए, B.S. रामा देवी। चौथा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो 149, 148 में नियुक्ति होती है, 149 में उसके कर्तव्य, ठीक है? डी ऑप्शन है चौथे का। पांचवा, पंचायती राज संस्थाओं को संविधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति क्या है? तो याद रखिए, L.M. सिंघवी समिति। छठवां क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है, लेकिन रूप सिंह जो खिलाड़ी थे ये हॉकी से संबंधित थे, ठीक? सातवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य घोड़ सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2007 में, ठीक है? डी ऑप्शन है। आठवां, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार, ठीक है? नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा दिव्यांग श्रेणी से आता है? सोनू गोलकर, ए ऑप्शन है नौका। 10, मुस्कान किरार का संबंध किससे है? तो याद रखिए, तीरंदाजी से है, सी ऑप्शन है 10वें का। 11, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ए ऑप्शन सही है, बड़वानी की पहाड़ियां, फिर महादेव, फिर मैकल श्रेणी, ठीक है? 11 का ये है। 12, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो आपको सबको पता होगा, चंबल। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या संशोधित नंबर क्या है? राजमार्ग का संशोधित नंबर, तो ये याद रखिए, 52, 52, ये ऑप्शन सही है 13 का। 14, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास का विकास डालने वाले सभी स्रोत कौन से, कौन कौन से? तो याद रखिए, उपयुक्त सभी है इसमें, डी ऑप्शन है, ठीक है? लेकिन मुझे डाउट है इस पर, मुझे क्लियर पता नहीं चल पा रहा है इसमें, क्योंकि मैंने जहाँ देखा है वहाँ तीनों आ रहे हैं, लेकिन इसे डाउट में ही रखिए, आयोग जब भी आंसर की निकलता है तो पता चल जाएगा, ठीक है? या मुझे पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ठीक, फिर चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? सी ऑप्शन सही है, परमार राजा भोज ने। 16 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो याद रखिए, पन्ना, बी ऑप्शन है। 17, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के मध्य के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा, सी डॉक्टर सीतारमण शर्मा। 18, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो डी ऑप्शन है, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। 19, मध्य प्रदेश की राज्य सीमा नहीं छूती है, तो आपको पता होगा, झारखंड से नहीं छूती है, ठीक? मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन में से कौन आयुक्त नहीं रहा? तो अवनी बस, ठीक, याद रखिए, डी ऑप्शन है 20 का। 21, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है? तो याद रखिए, वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, 21 का बी है। 22, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, अवैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है, या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, क्या कहलाता है? क्रैकर, बी ऑप्शन है 22 का। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के कानून ढांचा प्रदान करता है, कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2023 का, बी ऑप्शन सही है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो याद रखिए, ऑनलाइन चैटिंग नहीं है, डी ऑप्शन है 24 का, ठीक है? 25, ईमेल पता
मार्क स्ट्रॉल, आईटी टेक्स इंफॉर्मेशन, कौन सा डोमेन नाम है? तो याद रखिए आईटी डेस्क डॉट इनफो। 26, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का कौन सा सदस्य है? डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, याद रखिए। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आपको याद हो तो तीनों एक्ट अच्छे से पढ़े। अगर आप लोगों ने वो देखा है, हमारे साथ जुड़े रहे, तो आपके सभी क्वेश्चन लगभग पूरे सही होंगे, ठीक। बहुत डिटेल से पढ़ा था हम लोगों। बी ऑप्शन है 26 का। 27, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन है, ठीक है, 27 का सी है। 28, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और नियुक्त सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, 28 का ए है। 29, मानवाधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम, डी ऑप्शन है, 7 वर्ष, ठीक है, 29 का डी है। 30, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्तता विचारणीय है, 30 का ए है। 31, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो याद रखिए सत्वामा सेट। 32, कौन सा प्रदूषण नॉन नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, ये ऑप्शन है। 32, एक पौधे के एक पुष्प के पराग कोष से परागकरण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वृत्ताग में स्थानांतरित कहलाता है, सजात पुष्पी परागण, बी ऑप्शन है, 33 का। 34, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? उपयुक्त सभी, 34 का डी है, ठीक है। 35, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन होता है? तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, बी डी सी ऑप्शन है, 35 का। 36, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अंतोनियो गुटरेस, 36 का भी है। 37, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहांत वास हो गया? सैयद हैदर रजा, ये ऑप्शन सही है, 37 का। 38, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम है कोलिंदा गर्वर कितारोविच, ए ऑप्शन है, 39 का। 40, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? याद रखिए उत्कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन है, 40 का। 41, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी, डी है, 41 का। 40, 42, चंडी विकोप किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती, सी ऑप्शन है, 42 का। 43, निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार हैं? जियाउद्दीन बरनी, शमशेर राज, इसमें भी मुझे डाउट है यार, क्योंकि मुझे दोनों कहीं कहीं दोनों दे रहे हैं, कहीं भी अकेला दे रहा है, तो आप मिलान कर लें कहीं और देख लें, या मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा, ठीक। 44 का, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? सुल्तान महमूद ने, ठीक है, इसमें भी देख लेना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में, ए ऑप्शन है, 45 का। 46, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर, डी ऑप्शन है, 46 का। 47, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, एक खनन क्षेत्र है, खनिज संपदा है, तो इसमें सी ऑप्शन है, ठीक है, 47 का सी है, ठीक है, याद रखना 47 का सी है, ठीक, 47 का सी है। 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण और राज्य, तो याद रखिए सी ऑप्शन गलत है, इसमें सी ऑप्शन है, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। 49, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 1961 से 71, बी ऑप्शन है, 49 का। 50, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन दो केंद्रों को नाभिक को जोड़ता है? सिलचर पोरबंदर, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, 50 का है ए। 51, औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में? मुरैना में, ए ऑप्शन है, 51 का।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत आरंभ किया गया सितंबर 2014 को। बी ऑप्शन है 52 का। 53 निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश का कौन से दो शहर शामिल है? देवास इंदौर, ए ऑप्शन है 53 का। 54 भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत में विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 55 मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, बोधन द्वार किस का सेनापति था? सहायगढ़ के राजा बख्तक वली का। ए ऑप्शन है 56 का। 57 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारिया पटलिया से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन है 57 का। 58 निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में, मांडू में हेडोला महल है। उक्त आधारों पर सही उत्तर चुनना है, तो सी डी ऑप्शन है, दोनों सत्य हैं। ठीक, 58 का डी है। 59 जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर में। ए ऑप्शन है 59 का। ये काष्ठ लोक नृत्य है। ठीक है, काठी लोक नृत्य है। 60 इसमें डाउट है यार। ठीक है, ऐसे भी कंफर्म हो जाएगा तो हम बता देंगे, वरना आप लोग देख सकते हैं कहीं और। ठीक, निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर आरंभ से बात का सही क्रम क्या होगा? तो याद रखिए सी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 61 का सी है, 61 का सी है। ठीक है, पहले अर्जुन पुरस्कार है, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, सी ऑप्शन है 61 का। 62 रियो ओलंपिक 2016 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? अभिनव बिंदा। डी ऑप्शन है 62 का। 63 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्या स्थान था? तीसरा, ए ऑप्शन है। ठीक है, 63 64 2028 के ग्रीस ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? लॉस एंजल्स। 65 IAAF का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। ठीक है, डी ऑप्शन है 65 का। 66 मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत आम निर्वाचन हुए? तो याद रखिए 5। 66 का 5। 67 राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? 243 के। 67 का ये ऑप्शन है। 68 पंचायती राज विषय संबंधित किस सूची के अंतर्गत है? राज सूची। बी ऑप्शन है 68 का। 69 संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? भाग 9 में। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 70 मध्य प्रदेश की निम्नलिखित शहरों में किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? उज्जैन। ठीक है, बी ऑप्शन है 70 का। 71 JSP का मतलब है जावा सर्वर पेजेज। जावा सर्वर पेजेज याद रखिए, 71 का सी है। 72 बिंग वेब एक सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व संचालन करता है माइक्रोसॉफ्ट। ये ऑप्शन है 72 का। 73 वेब कॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है वेब स्पाइडर। ठीक है, सी ऑप्शन है 73 का। 74 निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो याद रखिए प्लॉटर पेंटर मॉनिटर। डी ऑप्शन है 74 का। 75 अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है बुक मार्क। 75 का भी है। 76 कब उच्च न्यायालय कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पष्टता के आधार पर कारित किया गया जब केवल अनुसूचित जाति के सदस्य संबंधित है? ठीक है, 76 का है ए। 77 यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल औषधालय या शिक्षा संस्थान से प्रवेश से इनकार करता है वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? धारा 5। 77 का क्या है बी। ठीक है, 78 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है 30 जनवरी 1990 को। 79 निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो इसमें बी ऑप्शन है। अगर आपने हम लोगों ने जो चर्चा की थी इन तीनों एक्ट पर, अगर आप लोगों ने वो देखे होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय नहीं है। ठीक है, 14(a) में नहीं, 15 में। ठीक है, बी ऑप्शन है 79 का। 80 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस
निर्णय दंडाधीश आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तो याद रखिए तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। 82, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? लेडिंग कोशिका। 83, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित से कौन सी गैस का योगदान है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन सही है। 83। 84, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑक्सीजन का। 84 का डी है। 85, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत शामिल है? अवसादकारी। 85 का ए है। 86, वर्ष 2019 में दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामपोसा। 87, वर्ष 2015 के इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे? तो याद रखिए श्री लेम्पा लेम्पो दामचो दोर्जी भूटान, ठीक है। तो 87 का क्या होगा? 87 का होगा अपना बी, ठीक है। 88, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम बताइए? तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, डी है 88। 89, मध्य प्रदेश गरीब परिवारों की विवाह एवं कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई? 51,000, सी ऑप्शन है 89। 90, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया? तो याद रखिए पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस 90 का यह है। 91, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हिरदेश शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो हीरापुर। 91 का डी है। 92, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? मेंटो मार्ली सुधार 1909, ठीक है। और आगे बात करते हैं। 93, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का प्रबलिदान दिया? तो फाजिल मोहम्मद खान, याद रखिए ए ऑप्शन है। 93, 94, पुस्तक सत्यार्थ विकास के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है 94, ठीक। 95, रेशम बुनकरों की सैनी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में से मिलती है? दसपुर शिलालेख से, ए ऑप्शन है 95। 96, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड नहीं है, बी ऑप्शन सही है, ठीक। 97 का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? तो याद रखिए NH8, ठीक है। 97 का है बी। 98, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ये प्राकृतिक आपदा है, प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन है। 58 का ए है, ठीक है। 58 का कौन सा है? ए। 99, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं सही नहीं है? तो टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं है, ठीक है, और बाकी सही है। तो 99 का क्या है? ए। 100, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो याद रखिए बी ऑप्शन होगा, नेपाल पाकिस्तान चीन बांग्लादेश, नेपाल पाकिस्तान चीन बांग्लादेश। चलिए, तो इसे भी हम आप लोगों को उसी में MPPSC वाले होल्डर में डाल देंगे सूची में, ठीक है। तो हमारे 2012 से 2019 तक के सभी पेपर आप लोगों को आगे भी उपलब्ध रहेंगे इंडिया में, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो उसे देख लें, ठीक है, अच्छे से। और अब जैसा भी गया, अगर अच्छा नहीं गया जिसका पेपर, वो टेंशन मत ले, अगला आने वाला है कुछ दिन में, उसमें लग जाइए। हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता है जब हम खुद हार ना मान, ठीक। तो आप आगे, आप लोग समझदार हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, अभी इतना ही भी नहीं जानोगे, ठीक। आराम से टेंशन मुक्त होकर अगले तैयारी में लग जाइए, ठीक। सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग आप बात कर लेंगे आजकल में, जब भी टाइम मिले मुझे उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा पूरा, ठीक है। अच्छे से लग जाइए आगे, जो होगा देखा जाए, ठीक।